दोस्तों, आज हम किसी विषय पर बात करने नहीं बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, आपके साथ साथ अपने भी ज्ञान चक्षुओं को खोलने जा रहे हैं। क्या करें, आज की बात ही कुछ ऐसी है, बहुत धीर है, गंभीर है और साथ साथ बहुत जरूरी भी है। मुझे तो लग रहा है आज किसी भूमिका का भी सहारा नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए सीधे बात पर आते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। दोस्तों, हमारी धरती के फेफड़े लगातार 3 हफ्तों से जल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेजन के जंगलों में आग लगी हुई है और इन्हें ही लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन इन्हीं जंगलों से आता है। ये दुखद है कि इस आग के बारे में आप में से अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं होगा। गलती आपकी भी नहीं है, दरअसल इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया द्वारा दिखाया ही नहीं जा रहा जैसे कोई आम बात हो, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कोई आम बात नहीं है। हो सकता है अब तक कई व्यूअर्स ने वीडियो को स्किप भी कर दिया होगा और कोई दूसरी चटपटी वीडियो देखने लग गए होंगे, ये सोचकर कि आग लगी है तो हमें क्या, हमारा घर और देश तो सुरक्षित है। लेकिन नहीं दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये आग जंगल में नहीं, ये आग हमारे घर में लगी है। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन में आग लगना मानव की धरोहर में आग लगना है। ये कुल 10% जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि ये वन क्षेत्र खत्म होता है तो इसका दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा बुरा। अमेजन जंगल दुनिया के 9 देशों में फैला है। इनमें कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुआना शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यहाँ की पेड़ इतने घने और बड़े हैं कि यहाँ की जमीन धूप को भी तरस जाती है। विश्व के कुल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा अकेले अमेजन के जंगल है। वैसे तो ये रेन फॉरेस्ट है, लेकिन हर तरह से यही दुआएं की जा रही है कि किसी तरह रेन हो जाए और आग बुझ जाए। लेकिन हम इंसानों ने हमारे घर की जो हालत की है वो देखकर आज ऊपर वाला भी शायद उन दुआओं को नजरअंदाज कर रहा है। अमेजन के जंगलों का क्षेत्र 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल से अधिक है। ये पूरी पृथ्वी के करीब 4% क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व के करीब 60% रेन फॉरेस्ट हिस्सा अकेले अमेजन जंगलों में है। दुनिया की 20% रिवर यही मिलती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर अमेजन रिवर के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ 16,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। अमेजन के जंगलों में करीब 39,000 करोड़ पेड़ पौधे हैं। यहाँ कीड़ों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। 1300 बर्ड्स की प्रजाति मिल जाती है, फिशेस की प्रजाति मिल जाती है। इसके अलावा आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ अकेले 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ सब आज रो रहे हैं, अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं और जल रहे हैं। इस आग से जंगल में मौजूद वो दुर्लभ जानवर भी जलकर राख हो रहे हैं जो दुनिया आज तक देख भी नहीं पाई होंगी। तकरीबन 54,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जलकर राख बन चुका है। कई लाख जानवर मर चुके हैं और ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्विटर पर उन जानवरों के जलने की तस्वीरें देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो देगा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। अमेजन के जंगलों में 400 से 500 से ज्यादा स्वदेशी आदिवासी जातियां रहती हैं। उनमें से करीब 50% आदिवासी प्रजातियों ने तो कभी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क तक नहीं किया। यहाँ पर रहने वाली जनजातियां आज भी अपने मूल स्वरूप में ही यहाँ पर जीवन जीती हैं, लेकिन वो भी अपना सब कुछ छोड़कर आज भागने पर मजबूर है। नासा ने ट्विटर पर सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं। इससे पता चलता है कि ब्राजील के अमेजो नाच, रोंडीनिया, पारा और माटोग्रोसो राज्य इस आग के धुएं से काफी प्रभावित है। यहाँ तक कि कई शहरों में तो दिन में भी रात हो गई है। कई इलाके जो इस अमेजन के आसपास है वहां पर जब बारिश हुई तो काली हुई है, क्योंकि इतना ज्यादा कार्बन फैल चुका है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जो कि पूरी दुनिया जल्द देखेगी। पिछले 150 सालों में मनुष्य ने जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस आदि का इस्तेमाल कर वातावरण में कार्बन बढ़ा दिया है। पेड़ों का काम कार्बन को लेकर ऑक्सीजन देने का होता है। पेड़ों की संख्या घटने से ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, पेड़ जिस कार्बन को सोखते हैं जलने पर उसे वापस छोड़ेंगे, जिससे कार्बन की मात्रा बढ़ती रहेगी।
अमेजन या ऐसे जंगलों में पाए जाने वाले पेड़, कीड़े और अन्य चीजें विभिन्न तरीकों से हमारे काम आती है। खेती, कपड़े, दवाई सब में इनका इस्तेमाल होता है। अगस्त 2019 के पहले हफ्ते में इन जंगलों में ये आग लगनी शुरू हो गई थी। ब्राजील की स्पेस एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने एक डाटा शेयर किया है। इन्होंने बताया कि इस साल आग लगने के 72,843 मामले सामने आए हैं, जो साल 2018 के मुकाबले 83% ज्यादा है। साल 2013 के बाद से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है, जिसके बाद आग लगने की घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाने लगा है। जुलाई से अक्टूबर के बीच सूखे मौसम में ब्राजील के जंगलों में आग की घटनाएं होना आम बात है। यहाँ प्राकृतिक कारणों से भी आग लगती है, लेकिन साथ ही किसान और लकड़ी काटने वाले भी आग लगाते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की पर्यावरण विरोधी बयानबाजियों के चलते जंगल साफ करने की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। पर्यावरण को लेकर लंबे समय से संशय रखने वाले जेयर बोल्सोनारो ने गैर सरकार संस्थाओं यानी एनजीओ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए खुद ही जंगलों में आग लगाई। यानी आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन आग पर काबू कैसे किया जाए उस पर ध्यान नहीं है। इस घटना के बाद ट्विटर पर हैशटैग प्रे फॉर अमेजन और अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रेंड शुरू हो गया है। यूजर्स ने मीडिया की आलोचना करते हुए कहा है कि वो नोट्रे डैम और अन्य भाग की घटनाओं को प्रमुखता देता है, लेकिन अमेजन के जंगलों में लगी आग को नजरअंदाज करता है। यूजर्स ने अरबपति लोगों से इस जंगल को बचाने के लिए दान देने की अपील की है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के नाते अमेजन ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कहीं भी किसी भी जंगल में आग लगना इंसान के घर में आग लगने जैसा है। हर एक पेड़ को बचाना होगा, हर जंगल को बचाना होगा। अमेजन के जंगलों की आग से दुनिया को सीखना होगा, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें आप और हम सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस इश्यू को आगे तक खूब शेयर करेंगे और फैलाएंगे, ताकि आगे के लिए भी कोई जागरूकता बढ़ाई जा सके और चुपचाप बैठी गवर्नमेंट अरबपति मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा सके। प्लीज प्रे फॉर अमेजन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन YouTube द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे।